जिहड़ा नबी पाक दा मुहिब जिन्हों नबी पाक नाल प्यार हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं काफले नालों बिछड़ गया रास्ते विच मैनू रात पै गई एक शेर ने देखिया मैनू इंसान मिलिया खाण वास्ते मैं उहनू लुकमा बनावांगा ते जिस वेले करीब आया ना ये सहाबी कहिंदा मैं शेर नू ना अपनी बोली च किया मैं क्या अना मौला रसूलिल्लाह ओए शेर होश नाल मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौकरी मैं मदीने वाली सरकार दा नौकरी ते मौलाना गरजाकी ने ना एदा तर्जमा इंज कीता फरमांदे ने ओए ठहर जा शेरा मेरे नेड़े नहीं आमना इस वजूद ताई तू नहीं खावना ए मैं नबी दिया जुतियां विच खाकर लामना तेरा कोई हक इत्थे नहीं सुनिया जा शेर गल्लां गर्दन झुकावदा करदा प्यार नाले पुछल हलामदा कोल खलो के सारी रात लंगावदा पैरा दिता उस सुबह ताई जड़ा नबी पाक दा नौकरे सारा जहान ओदा नौकरे जड़ा नबी पाक दा गुस्ताख वो ऐथे भी जलील होएगा अगले जहान भी जलील होएगा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक बंदे ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया ये कलमा पढ़ के मेरे मुस्तफा दा सहाबी बन गया ना मुसलमान हो गया ये लिखना पढ़ना जानदा सी अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इहनू फरमाया तू मेरी वही लिखिया कर तू वही लिखिया कर इनू कातबे वही दा एहसास मिल गया ना ये वही लिखदा रहा वही लिखदा रहा इनू ए आजा ए जड़ा एहसास मिलिया सी ये बर्दाश्त ना हो सकिया ये मुर्तद हो गया बेईमान अपने साथियों नू जाके कहंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू की आंदा नबी तां मेरे कोलो पुछ के लोगों नू आवाज करदा है आंदा नबी पाक नू की आंदा गुस्ताखी कीती बेअदबी कीती मेरे मुस्तफा कहंदा नबी नू की आंदा अजकल आ कई मौलवी बड़े वक्त नू पाया आन उलमाए कराम ते कोई मौलवी वाज करन आन जरा करन लग दिया ए जी हदीस कमजोर है इनू इंज हो गया इनू इंज हो गया फलां मौलवी नू ते आंदा जांदा कुछ नहीं आई जिवे आप मुहद्दस हुंदा है पाना पड़ी ते वक्त नू फड़ी दुआ करो अल्लाह उलमा दी कदर दी तौफीक अता फरमाए इत्थे ना तुहाडे गालबन पांच चक च मौलाना मुहम्मद बिन इस्माइल अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए अल्लाह सेहत अता फरमाए इन्हां दी मस्जिद च मैं तकरीर कीती ते मैं उत्थे इक रवायत बयान कीती एक बंदा कहन लगा ये रवायत कमजोर मौलाना एक बंदा कहन लगा ये रवायत कमजोर रवायत न एक बड़ा वड्डा आलमे दीन अल्लाह उन्हां दी उम्र च बरकत फरमाया उन्होंने मुरीद की दूसरे दिन जलसा सी उत्थे बयान कर दिती ते ओ बंदा उन्हूं आंदा क्यों भी तगड़ी हो गई कि ओ जी कमजोरी है जे दुआ करो अल्लाह उलमा दी इज्जत करन दी तौफीक अता फरमाया अल्लाह जानदा जिन्हें उलमा दी तोहीर कीती ना ओ बच नहीं सकेगा ओ जलील होएगा आ देखो नबी अलैहिस्सलाम नू एक कहंदा है मुर्तद हो गया बेईमान कहंदा है के नबी पाक नू की आंदा है नबी पाक ता मेरे कोलो पुछ के लोगों नू मसले दसदा है सहाबा बड़े परेशान कहंदे ने सोने उस जालिम ने तुहाडी तोहीन कीती गुस्ताखी कीती बेअदबी कीती ते नबी पाक दी तोहीन करके बच को किवें सकदा है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने ए मेरे सहाबियो परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं ए बंदा अनकरीब मर जाएगा ए बंदा जदों मर जाएगा इनू अल्लाह दी जमीन कबूल नहीं करेगी
इनू अल्लाह दी मिट्टी कबूल नहीं करेगी, जमीन अल्लाह दी कबूल नहीं करेगी। ए बेईमान मुस्ताके रसूल बेअदब बंदा, ए मर गया, एदे साथियां ने इनू दफन कीता, कब्र खट के इनू दफन कीता, ते सुबह आके देखदे ने एदी लाश बाहर पई हुई है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया सी इनू अल्लाह दी मिट्टी नहीं कबूल करेगी। नबी पाक दी जबान चो जो निकलिया हक निकलिया है, सच निकलिया है। अल्लाह दे पैगंबर कदी वही तो बगैर बोलते ही नहीं, आपने जो फरमाया सच फरमाया हक फरमाया। एक सहाबी मेरे नबी दी वही लिखिया करदा सी, हजरत दियां बातां लिखिया करदा सी। लोग इनू कहन लगे तू हर गल नबी पाक दी नोट कर लैना, कदी नबी पाक गुस्से च हुंदे ने, कदी किवें हुंदे ने, तू हर गल ही लिख लैना। इहने मेरे नबी दियां गल्लां लिखणियां बंद कर दित्तियां, ना लिखिया करे। आप फरमांदे ने तू वही क्यों नहीं लिखदा, गल्लां क्यों नहीं लिखदा। इह कहिंदा सोणिया लोगां ने मैनू आ गल कही है, अल्लाह दे पैगंबर कदी गुस्से च हुंदे ने, कदी किवें हुंदे ने, तू हर गल ही नोट कर लैना। आप फरमांदे ने लिखिया कर, अल्लाह दी कसमे इस जबान विचों सिवाय हक दे कोई चीज निकलदी नहीं। जो निकलदा है हक निकलदा है, तेरे घर ही लिखिया ना, इसे करके फरमांदे ने कायनात दा सोना इमाम आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया, जिदी रहमतां दी पै थम गई, ओ करम वाला करीम आया, मिठी बोली ते खुलके अदीम आया, ओ बन के रब दा इनाम आया, कायनात दा सोना इमाम आया। केड़ा इमाम, ओदे लब उते रब बोल दाए, बई तवज्जो मेरे लिए करो, ओदे लबां उते रब बोल दाए, ओ जदों रब बुलावे बोल दाए, सोना रहमता मोती रोल दाए, ओ बन के रब दा इनाम आया, कायनात दा सोना इमाम आया। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबियो इनू अल्लाह दी जमीन नहीं कबूल करेगी। एदे दोस्तां ने इनू दफन कीता, सुबह आके देखदे ने एदी लाश बाहर पई हुई है। एदे साथी कहंदे ने ए नबी पाक दे यारां ने एदी लाश आके कढ़ी है, सहाबा ने आके लाश कढ़ी है, ताकि नबी पाक दी गल सच्ची हो जाए। दूसरे दिन इन्हां ने उस तो भी ज्यादा टोया खट के, डूंगा टोया खट के इस बेईमान दी लाश दफन की थी। तीसरे दिन आके देखते ने एदी लाश फिर बई बाहर पई है। अगले दिन उस तो भी ज्यादा डूंगा टोया खट के इस बेईमान नू दबदे ने, फिर वेखदे ने उत्ते डांगा लैके बैठ जांदे ने, कहंदे ने अज जड़ा एदी लाश कढ़न लई आएगा, डांगा मार मार के पजा देवांगे। की देखदे ने मिट्टी परे हुंदी जा रही है, एदी लाश बाहर आंदी जा रही है। मेरे दोस्तों जिन्हें नबी पाक दी तोहीन कीती ओ बच नहीं सकदा। एक मक्के दा काफर एदा ना उबई बिन खलफ, ए चौधरी मक्के दा उबई बिन खलफ, ए पता की कहंदा, इन्हें ना एक घोड़ा लिया, घोड़े दा बछेरा लिया, ते मेरे मुस्तफा नू कहंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ना इस घोड़े नू रोजाना दो चार टोपे दाना पाया करांगा, एक घोड़ा बड़ा होगा ना एदे उत्ते चढ़ के मैं तैनू शहीद करांगा। आमना दे लाल फरमांदे ने ओए ओ भाई सुन ले, तू मैनू नहीं ओ मार सकदा, मैं मुहम्मद तैनू कतल करांगा, तू नहीं मैनू मार सकदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ए न ओहदे मैदान अंदर जंगे ओद होई न, ते दूरी सिरा पहन के लोहे दा दूरा कुर्ता पहन के न ते मैदाने ओहदे च गया, अल्लाह अकबर अल्लाह, ते नेजा लैके न नबी पाक दे करीब करीब हुंदा जाए। सहाबा ने रोकन दी कोशिश कीती, आप फरमांदे ने मेरे सहाबियो इनू रोको ना, अगे आम दियो। सहाबा ने इनू अगे आम दिता ना, मेरे मुस्तफा ने
थोड़ा जिन्ना तलवार नेजा लैकर इन मारिया ते एदे गले ते इत्थे जगह खाली सी थोड़ी जिनी चरीट आई मेरे दी माड़ा जा जख्म आया ए हाल हाल करदा आया रोंदा आया पिछा चला गया एदे साथी कहन लगे एवें माड़ी जी चरीट आई मेरे दी ते सिर ते बाहर रख ली हुणे बड़का पिया मारदा सन मैं नबी पाक नू शहीद करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए कहंदा है ओ लोगो सुनो ए ते नेवे दा सखम है अल्लाह दी कसम है मुहम्मद मेनू क्या करदा सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तैनू मारांगा ए ते नेवे दी चीज है अगर नबी मेरे वल्ले थुक भी सुट देंदा ते मैं तां भी खत्म हो जाना सी आ नबियां नबी दी गुस्ताखी करके कोई बच किवें सकदा है अल्लाह जानदा है जरा नबी पाक दा गुस्ताख है ना ओदा ता नबी भी जनादा पढ़ावे ते रब ने माफ।